हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एर टूडेज पेपर डिस्कशन दिस इज एफ टी जो हमारा हुआ था 28 दिसंबर को तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका सिलेबस था हमारा बॉटनी का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स दैट इज वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और वंशागति के आणविक आधार चलिए स्टार्ट करते हैं बॉटनी सेक्शन से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन वन विच अमंग द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट अ डोमिनेंट रेट ऑफ पी इनमें से कौन सा डोमिनेंट रेट नहीं है बाकी तीन डोमिनेंट है बस एक डोमिनेंट नहीं है एक रेसेसिव है और वो था हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड संकुचित फली मटर का एक प्रभावी लक्षण नहीं होता है और ये रेसेसिव होता है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है नेक्स्ट इज जीनो टाइप ऑफ अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट कैन बी एक तद्रुप प्रजननी लंबे मटर पादप के जीन प्रारूप को किस रूप में लिखा जा सकता है ट्रू ब्रीडिंग टोल जीनो टाइप को आप कैसे लिखेंगे ट्रू ब्रीडिंग होना चाहिए ये भी बात ध्यान में रखें तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है दैट इज दोनों कैपिटल टी हो जहां पर तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज एनली नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन विल प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इनमें से कौन सा जीन रूप अधिकतम संख्या में भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करेगा तो भाई हमारे जहां जितने ज्यादा हेट्रोजाइगस होंगे उतना ही ज्यादा क्योंकि फॉर्मूला क्या लगता है टू पार एन और यहाँ पर एन क्या है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर तो यहाँ पर देखिए इस वाले में आपके दो हेट्रोजाइगस पेयर हैं तो चार बनेंगे यहाँ पर आपके एक ही है तो यहाँ पर दो ही बनेंगे यहाँ पर आपका फिर से दो पेयर चार और यहाँ पर तीनों ही पेयर हैं तो यहाँ आपके बन जाएंगे छह तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर What विल बी द proportion ऑफ पिंक फ्लॉट plants in progeny इफ अ पिंक फ्लॉट स्नैप ड्रैगन प्लांट इज यदि एक गुलाबी पुष्प वाले स्नैप ड्रैगन पादप का स्व परागण करवाया जाता है तो संतति में गुलाबी पुष्प वाले पादपों का अनुपात क्या होगा चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार हम भाई पिंक वाले कैसे थे ऐसे थे तो यहाँ पर अगर हम बात करें हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं और सेल्फ पॉलिनेट हमें यहाँ पर करवाना है तो ये हो गया आपका मेल और ये हो गया आपका फीमेल तो कैपिटल रेड होगा ये ये आपके पिंक होंगे फिर ये आपके पिंक होंगे और यहां से ये हो जाएंगे तो चलिए यहां पर अब हम बात करते हैं तो कैसे कितने होंगे आपके यहां पर पिंक जो है वो आधे फिफ्टी परसेंट यहां पर पिंक हो जाएंगे इसका मतलब हाफ तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड In humans, the gene which codes for enzyme phenylalanine hydroxylase, if mutated, affects multiple phenotypic expressions. The above gene is a. मनुष्यों में phenylalanine hydroxylase एंजाइम के लिए कूट लेखन करने वाला जीन उत्परिवर्तित होने पर कई लक्षण प्ररूपी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करता है वह जीन कौन सा है या वह जीन क्या कहलाता है तो अबाउ जीन जो है वो किस टाइप का जीन है भाई प्लियोट्रॉपिक जीन है तो एक जीन और बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड एक बहुप्रभावी जीन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन कपल्स में नॉट समूहों के निम्नलिखित में से किस संयोजन वाली दंपत्ति का ओ रक्त समूह वाला बच्चा नहीं हो सकता किसी भी केस में वो नहीं होगा चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं तो भाई अगर हम बात करें मदर ए बी है या फादर ए बी है तो उनमें क्या होगा एक आई ए और एक आई बी और एक तरफ आई ए और आई ओ हो सकता है तो एक ही आईओ यहाँ पर प्रेजेंट है और एक आईओ का होना मतलब कि पॉसिबल नहीं है कि ओ ब्लड ग्रुप होगा और इसीलिए इस वाले केस में ओ वाला ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं हो सकता तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर

आइडेंटिफाई द टेस्ट क्रॉस फ्रॉम निम्नलिखित में से संकरण की पहचान कीजिए की अगर हम बात करते हैं तो करवाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और रिंकल प्योर येलो सीडेड पी प्लांट रिंकल दिया है लेकिन प्योर नहीं दिया है और यहाँ पर हम रिंकर्ड प्योर येलो सीडेड पी प्लांट प्योर येलो है तो ऑब्वियस बातें कैसा होगा प्योर येलो कैपिटल वाई प्योर राउंड प्योर राउंड और ग्रीन सीडेड ठीक है तो अब हमने ये क्रॉस करवाया चलिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना देते हैं गैमेट्स का तो गैमेट्स किस टाइप के हो जाएंगे आपके दो ही टाइप के आपको दोनों पैरेंट में गैमेट्स मिलेंगे एक तो स्मॉल आर कैपिटल वाय और स्मॉल आर कैपिटल वाय और यहाँ पर आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर सॉरी स्मॉल तो वाय पर अब आपको देखिए सिर्फ यही आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा यही आपको एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यही मिलेगा तो रिंकल्ड और यहाँ पर प्रोज एनी विद रिंकल्ड

हमने देखा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में कि से अलील जो होता है वो मॉडिफाइड अलील है जो आपके ओरिजिनल अलील का और यहाँ पर आपको अलील जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है एंजाइम नो एंजाइम एट ऑल मतलब कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे या फिर हो सकता है कोई सेम एंजाइम नॉर्मल एंजाइम या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट है अ वीट प्लांट विद इंटरमीडिएट रेड कलर्ड कर्नल्स ए ए बी बी इज विद अनादर वीट प्लांट हैविंग वाइट कलर कर्नल्स जिसमें आपके सारे रेसेसिव वलीज हैं ए बी व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनिज विल बी ऑफ लाइट रेड कलर कर्नल्स मध्यवर्ती लाल रंग के दानों वाले गे, एक गेहूं पादप का संकरण श्वेत रंग के दानों वाले एक अन्य गेहूं पादप के साथ करवाया जाता है कितनी प्रतिशत संततियां हल्के लाल रंग के दानों वाली होंगी यहां पर आपको पता करना है तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो अब आपका अगर इस टाइप का अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आपके कितने टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे भाई ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है ये भी और ये भी ठीक है चार टाइप के लेकिन दूसरे वाले में सिर्फ एक ही टाइप के बनेंगे ये तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो एक तरफ तो हम चार रखेंगे और दूसरी तरफ सिर्फ चलिए यहाँ मान लेते हैं ये एक ही हो गया और बाकी ये ए बी कैपिटल है स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल है स्मॉल बी ठीक है तो यहाँ हो जाएगा फिर यहाँ हो जाएगा आपका फिर यहाँ और यहाँ हो जाएगा चलिए तो यहां अगर हम देखें तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रोजेनिज विल बी ऑफ लाइट रेड कलर कर्नल्स तो लाइट रेड कलर की जो कर्नल्स होंगी वो आपको कितने परसेंटेज में मिलेंगी और उनका परसेंटेज होगा लगभग 50 परसेंट यहाँ पर आधी वैसी होंगी लाइट रेड कलर की तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है Drosophila melanogaster is used as material for experimental genetics as it Drosophila melanogaster को का उपयोग प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है भाई इसके बहुत सारे रीजंस हमारी एनसीईआरटी में गिवन है सो हैज लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसा कोई रीजन नहीं है हैज नो हेरिडिटरी वेरिएशन नो no, हट जाएगा तो यह भी एक रीजन हो जाएगा कैन बी इजिली ग्रोन इन लैब ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया इसकी वृद्धि प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम पर आसानी से करवाई जा सकती है बिल्कुल सही है सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट फर्स्ट जेनेटिक मैप फॉर ड्रोसोफिला वॉज प्रिपेयर बाय ड्रोसोफिला का पहला आनुवंशिक मानचित्र किसने तैयार किया था पहला मानचित्र यहां पर पूछ रहे हैं तो वो था हमारे स्टर्टवेंट और इन्होंने ही पहला जेनेटिक मैप तैयार किया था तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक इन किसमें मादाएं विषम युग्मकी होती हैं फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक कहाँ होती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है बर्ड्स में और बहुत इजी सा क्वेश्चन है पक्षियों में होती है ऑप्शन नंबर सेकेंड आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन in हनी बी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में सेलेक्ट करना है वो भी हनी बी का तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फीमेल्स आर डिप्लॉयड फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं ये सही है बोथ मेल एंड फीमेल बीस शो गैमेटिक म्योसिस दोनों मेल और फीमेल बीज गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए म्योसिस करते हैं बिल्कुल नहीं यहाँ मेल्स ऑलरेडी अप्लॉयड होते हैं तो वो कभी भी म्योसटिक डिवीजन नहीं करेंगे ये गलत है सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और निम्नलिखित कथनों को सत्य याजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए एक ऑर्गेनिज्म के जीनो टाइप और फिनोटाइप दोनों में चेंज आ जाएगा अगर उसका डीएनए हम ऑल्टर करते हैं डीएनए में कोई ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस करते हैं बिल्कुल सही बात है लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन अ क्रोमोजोम नंबर अगर डीएनए का कोई भी टुकड़ा डीएनए सेगमेंट का कोई भी टुकड़ा जो है या क्रोमोजोम में जो डीएनए सेगमेंट होता है उसका कोई भी लॉस या गेन होता है तो उससे क्रोमोजोम नंबर में चेंज आएगा नहीं ऐसा नहीं होगा और ये गलत हो जाता है रेडिएशंस में ऑल्टर और म्यूटेट द डीएनए विकिरण डीएनए को परिवर्तित या उत्परिवर्तित कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है ये सही है तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा सेकेंड फॉल्स हो जाएगा और थर्ड भी ट्रू पी एफ टी इज द करेक्ट सीक्वेंस एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ अलिक मेल मैरिज टू अमलन विच हु ऑफ अ हीमोफिलिक फादर परसेंटेज़ ऑफ मेल नॉर्मल यहाँ पर आपको नॉर्मल का परसेंटेज बताना है तो चलिए एक हीमोफिलिक मेल है मेल हीमोफिलिक है पहली बात और नॉर्मल वुमेन है लेकिन उसके फादर जो थे वो हीमोफिलिक थे तो मतलब यहाँ पर डॉटर कैसी होगी कैरियर होगी ठीक है चलिए यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं मेल का और ये फीमेल का मेल कैसे हैं हीमोफिलिक और मदर कैसी है कैरियर है तो यहां पर अब हम देखेंगे तो कितनी परसेंट जो है मेल प्रोजेनीज की वो क्या होगी नॉर्मल होगी वो भी हम यहां पर देख लेते हैं तो देखिए है, यहाँ पर जितने भी सन्स होंगे उनमें से आधे जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे और आधे नॉर्मल होंगे तो 50% परसेंट यहाँ पर होगा रेशियो और सही आंसर हमारा हो जाएगा 50% परसेंट तो ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन डिसऑर्डर्स इज ड्यू टू एन इम्बैलेंस इन क्रोमोजोम नंबर इनमें से कौन सा विकार गुण में असंतुलन के कारण होता है भाई छुप गया है क्वेश्चन तो मैं एक बार इसको रब कर दूं ठीक है चलिए कौन सा गुणसूत्र संख्या में असंतुलन के कारण होता है जहां पर क्रोमोजोम के नंबर में इम्बैलेंसिंग है अनबैलेंसिंग है तो उसकी वजह से वो डिसऑर्डर हुआ है एंड दैट इज सिंड्रोम यहां पर होता है एक एक्स होता ही नहीं है फीमेल्स में और सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड इज एबसेंट इन ऑल एक्सेप्ट इसके अतिरिक्त अन्य सभी में फॉस्फोइस्टर बंध अनुपस्थित होता है सिर्फ एक में प्रेजेंट होता है बाकी सब में एब्सेंट होता है और वो है हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहां मोनो है फॉस्फेट तो ऑब्वियस ही बात है मोनो में यहाँ पर फॉस्फोइर बॉन्ड नहीं होगा और इसीलिए जो है नहीं मोनोफॉस्फेट में यहाँ पर बॉन्ड होगा और बाकी सब में एबसेंट है यूरिडीन सिंगल मतलब हम बोल सकते हैं ठीक है डीऑक्सीडेडीन सिंगल सिंगल हमारे हैं मोनोफॉस्फेट में आपका फॉस्फेट अटैच है और इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा आपका ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा सो so, बाकी सब में बाकी तीनों में बॉन्ड एबसेंट होगा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट इज यहां पर आपको एक Equation बोल सकते हो एक process का या, का या पर उपरोक्त कौन सा चरण केवल कुछ आर एन ए वायरस में पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सुना होगा आपने इसके बारे में आर एन ए से डीएनए बनना उल्टा होना डीएनए से आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए से डीएनए का बनना और ये कुछ वायरसेस में होता है ठीक है so, सो सम आर एन ए वायरसेज ओनली और वो कौन सा है आपका आर एन ए से डी एन ए बनने वाला जो प्रोसेस है तो यहां पर सही वाला जो हम ए बी सी डी में से हमें चूज करना है और वो हमारा हो जाएगा सी ये, ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये आपको रेट्रो वायरसेस में मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा ठीक है चलिए तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग सभी ये सभी आपको मिलेंगे कुंडली में, लेकिन बस एक नहीं मिलेगा। और वो एक कौन सा होगा वो एक आपको फाइंड आउट करना है तो वो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड ये अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज डैश ऑक्टामर फॉर्म डैश कंप्लीट अबाउट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन ऋणात्मक रूप से डीएनए धनात्मक रूप से आवेश अष्टक के चारों ए और बी क्या है चलिए लिपटता है ठीक है ठीके? और क्या बनाने के लिए न्यूक्लियो जो बनाने के लिए तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट यू क्रोमेटिन डिफर्स फ्रॉम हेट्रोक्रोमेटिन एज द फॉर्मर इज और हैज यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन से भिन्न होता है क्योंकि यू क्रोमेटिन में क्या होता है भाई या फिर वो क्या है ऐसा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए यूक्रोमेटिन इनएक्टिव नहीं होता है एक्टिव होता है अनुवांशिक या अनुलेखनीय रूप से निष्क्रिय नहीं होता है सक्रिय होता है गलत हो गया लाइटली स्टेन रीजन होता है ये सही है डेंसली पैक होता है नहीं Heterochromatin होता है डेंसली पैक तो सिर्फ यहाँ पर सही जो है वो है बी वाला सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यूक्रोमेटिन के बारे में यहां पूछा था हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में नहीं आइडेंटिफाई द इन करेक्ट मैच असुमिलित की पहचान कीजिए इनकरेक्ट मैच आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है फ्रेडरिक ग्रिफिथ प्रूव दैट डी एन एज जेनेटिक मटीरियल नहीं यह हर्षी और चेस के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था इन्होंने तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था तो ये गलत हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट इज हाइब्रिड डीएनएज अलाउड टू ग्रो इन एन फोर्टीन मीडियम फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन वट विल बी द प्रोपोशन ऑफ हाइब्रिड डीएनएर सेकेंड जनरेशन एक हाइब्रिड डीएनए हाइब्रिड डीएनए मतलब समझते हैं हम सब एक एन फोर्टीन और एक एन फिफ्टीन ठीक है तो यहां पर जो है आपका हाइब्रिड डीएनए को अलाउ किया गया एन फोर्टीन मीडियम पर ग्रो करने के लिए वृद्धि करवाई गई और लगातार दो पीढ़ियों तक दो जनरेशन तक वॉट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए आफ्टर सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन के बाद में क्या प्रपोर्शन होगा हाइब्रिड डीएनए का तो भाई अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ही रहेगा बस केवल तो पहली बार से यहाँ पर दो बने और दूसरी बार से यहां पर चार बने और चार में से सिर्फ और सिर्फ कितने रहेंगे चार में से सिर्फ आपका एक रहेगा बाकी तीन जो है वो एन फोर्टीन के हो जाएंगे ऐसा ही होगा क्योंकि एन फिफ्टीन का बस केवल एक ही स्ट्रैंड चल रहा है ठीक है हमेशा याद रखना और ये सब कैसे होंगे एन फोर्टीन वाले होंगे तो ये लाइट वाले होंगे और इसीलिए सिर्फ वन बाय फोर्थ यहां पर हम बोल सकते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं यहां पर आपको रेप्लीकेशन फॉक दिया हुआ है डीएनएन फॉक इज गिवन इन द अब डायग्राम मार्क दॉट ट्रू फॉर सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेंड उपरोक्त चित्र में एक कौन सा कथन रज के संश्लेषण के संबंध में सत्य नहीं है संबंध में सही नहीं है वो रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस के लिए नए स्ट्रेंड के बिल्कुल सही बात है

फ्रेगमेंट नहीं आ, बनेंगे ही नहीं ए वाले में ए वाले में तो कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए स्ट्रैंड विथ फाइव डैश टू थ्री डैश कॉल्ड अनुलेखन के दौरान फाइव डैश टू थ्री डैश ध्रुवता वाले डीएनए रज्जु को क्या कहा जाता है फाइव डैश टू थ्री डैश वाले की पूछी है यहां पर उसको क्या कहा जाएगा उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा जबकि उसका यूज नहीं होता है फिर भी उसको कोडिंग बोला जा रहा है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जीन्स इन यू कैरियोट्स यू कैरियोट्स के जीन कैसे होते हैं चलिए बताइए हैव इंट्रॉन्स बिल्कुल होते हैं शो स्प्लिट अरेंजमेंट स्प्लिट अरेंजमेंट भी होता है अंतरापित व्यवस्था दर्शाते हैं आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी सही है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट विच आर एन प्लेज अ कैटलिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन अनुवादन के दौरान कौन सा आर एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है कैटलिटिक रोल यहाँ पर पूछा है तो कैटलिटिक रोल किसका होता है हमारे आर का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट असत्य कथन की पहचान कीजिए चलिए देखते हैं इन यू प्रो कैरियर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर ऑफन कपल्ड प्रो कैरियो में अनुलेखन और अनुवादन प्राय साथ साथ होते हैं बिल्कुल सही है बैक्टीरियल एम आर ए ने अंडरगो स्प्लाइसिंग टू बिकम फंक्शनल नहीं स्प्लाइसिंग जो है वो इंट्रॉन्स को हटाने के लिए होती है और प्रो कैरियोट्स में नहीं होते हैं सिर्फ यू कैरियोर्ट्स में होते हैं तो ये गलत हो जाता है और हमारा आंसर भी हो जाता है संश्लेषण करता है आर एन ए पॉलिमरी किसका संश्लेषण करेगा कौन से आर एन ए को बनाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो, तो वो हो जाएगा हमारा एच एन आर एन ए दट इज हाइड्रोजिनस न्यूक्लियर आर एन ए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड इन यू कैरियोटिक एम आर एन ए If a eukaryotic mRNA lacks cap, then which of the given will occur? यदि किसी eukaryotic mRNA में आच्छद का अभाव हो तो इनमें से क्या होगा चलिए देखते हैं Transcription will not be completed, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा Translocation will occur without interruption, बिना अवरोध के स्थानांतरण होगा नहीं 18s rRNA of ribosomal subunit will not identify mRNA. जो राइबोसोमल इकाई का एटीन एस आर आर एन होता है वो एम आर एन ए की पहचान नहीं कर पाएगा बिल्कुल सही है अगर उसमें कैपिंग नहीं होगी तो एमआरएन में कैपिंग नहीं होगी तो तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड विच अमंग कोट शोज डूअल फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा कोट दोहरे कार्य दर्शाता है कौन से कोट जो है डूअल फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है तो वो आपका ए यू जी है AUG। जी ये मिथियोनिन को भी कोड करता है और इनिशिएशन भी करता है तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाता है नेक्स्ट लैक ओपेरॉन गेट स्विच ऑन वेन लैक ओपेरॉन तब सक्रिय हो जाता है जब कब सक्रिय होगा भाई आपका लैक ओपेरॉन जब लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर को बाइंड करेगा तब जाकर आपका स्विच ऑन हो जाएगा क्योंकि आपका प्रमोटर जो है वो साइट फ्री ऑपरेटर्स वाली साइट जो है वो फ्री हो जाएगी तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि लैक्टोज दमनकारी से बंधन जब करता है तब जो है आपका लैक सक्रिय हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट इज Select द wrong स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए गलत कथन का चयन करना है प्रोमोजोम वाई हैज़ द मोस्ट जीन नहीं इसमें सबसे कम जीन थे गुणसूत्र वाई में सबसे अधिक नहीं सबसे कम थे तो यही आपका गलत कथन है और आपका सही आंसर भी है गिवन पैटेगरी चार्ट डज नॉट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट लाइक दिया गया वंशावली चार्ट जैसे विशेषक की वंशागति नहीं दर्शाता है कौन से टाइप के ट्रेट की यह मतलब हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस नहीं दर्शा रहा है आपका ये पैटेगरी चार्ट तो ये देखिए यहाँ पर फीमेल से मेल पे तो आ ही रहे हैं पर फीमेल पे भी ट्रांसफर हो रही है तो ये ऑटोजोमल है एक्सलिंक्ड बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है और अगर हम बात करें आ, डोमिनेंट को तो ये फिर भी दर्शा रहा है क्योंकि हर जनरेशन में आ ही रहे हैं लगभग लगभग तो इसलिए ये को बिल्कुल नहीं दर्शाएगा तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट इज मीटिंग बिटवीन रिलेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय संबंधियों के बीच समागम का निरूपण किसके थ्रू होता है किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होता है हमारा डबल लाइंस के थ्रू सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड।

जो आपकी क्वीन विक्टोरिया में भी थी कैरियर थी वो इस डिसऑर्डर की उनको नहीं थी द सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ किसके प्रतिस्थापन के कारण दात्र कोशिका अरक्तता होती है सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय किसके सब्स्टिट्यूशन से ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज होगी तो ग्लूटामिक एसिड का जो है सब्स्टिट्यूशन होता है वेलिन के थ्रू सिक्स पोजीशन पे बीटा चेन की हीमोग्लोबिन के तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है वहां पर सिक्स्थ पोजीशन पे जो आपका ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह कौन आ जाता है वेलीन आ जाता है और इसीलिए ये डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया नेक्स्ट इज बीटा थैलेसीमिया इज ड्यू टू म्यूटेशन इन द बीटा थैलेसीमिया जो है किस में या किन में उत्परिवर्तन के कारण होता है ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है और ये जो आपके हीमोग्लोबिन के जो जीन होते हैं क्रोमोसोम 11 उनमें जो होता है उसमें कुछ म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होती है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर। गुणसूत्र 11 पर स्थित जीन एचबीबी में जब म्यूटेशन होंगे तब जाकर ये डिजीज होगी फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन अ डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म लीड्स टू किसी द्विगुणित जीव में कोशिका विभाजन के अंत्यावस्था चरण के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की विफलता से होती है क्या हो जाएगी भाई यहां पर अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा लेकिन कैरियोकाइनेसिस हो चुका है मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं और न्यूक्लियस डिवाइड होना मतलब कि ऑब्वियसली बात है क्रोमोजोम्स भी डिवाइड हो चुके हैं क्रोमोसोम्स भी डबल डबल सेट हो चुका है तो इससे क्या हो जाएगा पॉलीप्लॉयडी ऑप्शन नंबर थर्ड बहुगुणिता

रूडिमेंट्री ओवरीज यहाँ पर होंगी एलोजो मतलब सेक्स क्रोमोजोम को हम ये बोलते हैं ठीक है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन Which of the following statements is or are incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट is a nucleotide of RNA. बिल्कुल adenine present होता है सिंगल स्टैंड डज नॉट फॉलो चार रूल एकल लज्जुक डीएनए चार के नियम का पालन नहीं करता है बिल्कुल सही है पेंटोस शुगर इज प्रेजेंट ओनली इन आर एन नॉट इन डीएनए नहीं दोनों में होगी तो सिर्फ सी वाला यहाँ पर गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आर एन ए फ्रॉम डीएनए से आर एन ए के संश्लेषण की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन जिसे हम बोलते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ के रूप में उपस्थित डीएनए की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी फ्रेडरिक मिशर एफ मिशर ने ये खोज करी थी सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल द पिच ऑफ अ डीएनए हेलिक्स पिच जो होता है डीएनए का वो कितने नैनोमीटर uh, का होता है तो दैट इज 3.4 नैनोमीटर का वो होता है सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन इन न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर थ्रू जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो शुगर से कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं या लिंक्ड होते हैं न्यूक्लिक अम्ल um में नाइट्रोजनी शार किसके माध्यम से शर्करा के फर्स्ट कार्बन से जुड़े होते हैं तो वो है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जहां पर भी शुगर आ जाएगी वहां वर्ड याद रखना है, सही आंसर है पाया जाता है फाइव मिथाइल यूरेसिल आपको किसमें मिलेगा तो वो है हमारा डीएनए सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर वन 9 बेस थ्री डीएनए टेन पॉइंट जीनोम साइज ऑफ डीएनए 3.3 10 9 बेस बेसपेयर किस में जीनोम का आकार है किसके जीनोम का ये साइज है तो ये बहुत सीधी सी लाइन है एनसीईआरटी की ह्यूमन का ऑप्शन नंबर वन तो चलिए गाइज ये था हमारा आज का बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर डिस्कशन वैसे तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था बस लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल शांति से क्वेश्चंस को रीड करना है सॉल्व करना है बहुत ही पेशेंटली मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हड़बड़ाहट में आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कोई आ, टिपिकल क्वेश्चन नहीं था सब इजी थे इजी गोइंग थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे जैसे कि आपने देखा डी से आर को बनने को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं वो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है डेफिनेशन यहाँ पर डायरेक्टली पूछी गई है सो जस्ट डोंट गेट पैनिक वेन यू आर इन योर एग्जाम्स तो पेपर को अच्छे से रीड करिए क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए और उसके बाद में ही आंसर मार्क करिए सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में टिल देन यू गाइज स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग थैंक यू